जय जिनेंद्र। मेरा नाम प्रांजल शाह है और मैं चिंचवड़ संस्था वाटिका से हूँ। मेरा आईडी नंबर है SGSV138 और आज मैं आपके सामने मूंग दाल की पनौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पनौड़ी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी पीली मूंग की दाल अच्छे से साफ करके धो के उसे 2-3 घंटे के लिए भिगोकर मिक्सी में पीस लिए। साथ ही में मैंने 2-3 हरी मिर्च भी मिक्सी में पीस ली है। स्वाद अनुसार नमक और आधी छोटी चम्मच सोडा। पनौड़ी बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज का पतीला और उसी के साइज की प्लेट ली है। प्लेट के उल्टे साइड को हम अच्छे से तेल से ग्रीस करेंगे। सब इंग्रेडिएंट्स डालकर बैटर को अच्छे से हिलाएंगे। पतीले में एक ग्लास पानी डालकर गैस पर रखेंगे। पानी गर्म हो गया है, अब हम बैटर को लेंगे और प्लेट की उल्टी साइड पर उसे इस तरह से लगाएंगे और उस पतीले पे ऐसे रख देंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्लेट को पलटेंगे। मिनट के बाद पनौड़ी को प्लेट से अलग कर देंगे। इसी तरह हम सारी पनौड़ी बना लेंगे। लो तैयार है गर्मा गर्म हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता। घी और सिंगदाना की चटनी के साथ इसे जरूर ट्राई करना।